ये अपने देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन है। 2 सप्ताह के अंदर आज दूसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। इस बार ये वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के अम्ब अंदौरा तक चलाया जाएगा और बीच में अम्बाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब और ऊना रेलवे स्टेशन पर भी ये ट्रेन रुकेगी। यानी कि इस ट्रेन से हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और पंजाब के लोगों को भी फायदा मिलेगा। 30 सितंबर को ही गुजरात के गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच तीसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी और 15 दिन के अंदर ही आज चौथी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। ये वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अम्ब अंदौरा के बीच चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ऊना रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ऊना रेलवे स्टेशन को फटाफट नया रूप रंग दे दिया गया। ऊना रेलवे स्टेशन की साफ सफाई, पेंटिंग, इनफैक्ट रेलवे ट्रैक की भी साफ सफाई की जा रही है। पिछली बार दिल्ली से चंडीगढ़ के रूट में भी वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन किया गया था, लेकिन वो ट्रेन मुंबई और गांधीनगर के भी चलाया गया। तो उसी समय से उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ के रूट में ही चलेगी और हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो हिमाचल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया गया है। ये चौथी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 5:50 पर रवाना होगी और अम्बाला पहुंचेगी 8:00। 10:34 पर यह ट्रेन ऊना पहुंचेगी और 11:05 पर अम्ब अंदौरा। वापसी में अम्ब अंदौरा से दोपहर 1:00 ये ट्रेन रवाना होगी और 1:20 पर ऊना पहुंचेगी और शाम में 6:25 पर यह ट्रेन नई दिल्ली वापस पहुँच जाएगी। बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऊना रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और लगभग 6,000 करोड़ रुपए के बजट से ऊना से हमीरपुर के बीच नई रेल लाइन का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा लगभग 128 करोड़ रुपए के बजट से बना IIIT का लोकार्पण और हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। तो फाइनली आज से चौथी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि अब काफी तेजी से वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा और 1 साल के अंदर ही 75 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टारगेट है। तो लगभग 15 दिन के बाद ही नेक्स्ट वंदे भारत ट्रेन आ गई और इसी महीने एक और वंदे भारत ट्रेन आ जाएगी। तो नेक्स्ट वंदे भारत ट्रेन की जरूरत सबसे ज्यादा किस रूट में है, आप कॉमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।